शहर के आशापुरा माता मंदिर परिसर में श्री शिव पार्वती विवाह समिति की ओर से चल रही श्री शिव कथा के दूसरे दिन श्रोताओं को शिव कथा रसपान करवाते हुए कथावाचक संत पूज्य गिरी बापू ने नारद प्रसंग का वृतांत सुनाया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव द्वारा नारद ऋषि के अभिमान का मर्दन करने का वर्णन करते हुए बताया कि कामदेव पर विजय के बाद जब नारद ऋषि का जय जयकार होने लगी तो उन्हें अभिमान हुआ और वे भगवान शिव के पास जाकर उनके सामने भी अपनी जय जयकार की प्रशंसा करने लगे। इस पर भगवान शिव ने नारद जी के अहंकार को मर्दन करते हुए उन्हें मौन रहने की सलाह दी। बापू ने बताया कि भगवान शिव ने नारद ऋषि को तात कहते हुए उन्हें मौन रहने की सलाह दी। भगवान शिव ने कहा कि मौन रहने से कई प्रकार के फल मिलते हैं। बापू ने कहा कि शिवालय में जाकर कभी तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शिवालय में जाकर मौन समाधि लगाते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भीतरी शक्ति के लिए, उदय के लिए मौन ही श्रेष्ठ साधन है। कथा के दौरान गिरी बापू ने कहा कि शमशान के द्वार पर कैलाश नहीं लिखना चाहिए। अगर शमशान पर कैलाश लिखा होगा तो लोग अपने घरों पर कैलाश नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैलाश तो करोड़ों स्वर्ग का उद्गम स्थल है। एक उदाहरण देते हुए बापू ने बताया कि हे राम जग में साचो तेरो नाम धुन जब से शव वाहिनी में बजने लगी है तो उक्त धुन अब घरों व मंदिरों में नहीं बजती है। महाशिवरात्रि के दिन भांग पीने की परंपरा को गलत बताते हुए बापू ने कहा कि महादेव के बारे में लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है, ऐसी परंपरा का कभी अनुसरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले कभी भी महादेव का भक्त नहीं हो सकता है। कथा के दौरान गिरी बापू ने महादेव मुझको देना सहारा छूटने जाए नाम तुम्हारा वचन सुनाकर उपस्थित सभी श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कथा के दौरान बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। शुक्रवार कथा विश्राम के बाद महाआरती उतारी गई। महाआरती में सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा भी शामिल हुए। उधर दूसरे दिन की कथा प्रारंभ होने से पूर्व शुक्रवार को सप्तदिवसीय पंचकुंडीय यज्ञ शुरू हुआ। उदासीनता आश्रम पुष्कर के महंत हनुमाना राम जी महाराज के पावन सानिध्य में शुरू हुए सप्तदिवसीय पंचकुंडीय के दौरान पंडित खेमचंद शर्मा के सानिध्य में शुरू हुए यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई। उसके बाद विद्वान की उपस्थिति में यज्ञ आरंभ किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दिलाई गई। कथा के दौरान महामंडलेश्वर कपिल मुनि संत केवल राम महाराज समिति अध्यक्ष शंकरलाल प्रजापति गणपत सर्राफ मोहनलाल बजाज राजेश शर्मा मनीष रंका राजेश प्रजापति रामकिशोर चौहान राजेंद्र ओस्तवाल मारकडानी दिनेश शर्मा विजय तंवर नितेश कोयल सुरेश वैष्णव अरुण प्रजापति राकेश कुमार दीपक रोशन गौतम प्रजापति सहित अन्य समिति पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे। श्रोत्रम्